नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दायरे में रखा। भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक 95 अरब डॉलर का निर्यात किया। सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दालों के भंडारण की सीमा 31 अक्टूबर तक निर्धारित की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% हुई। अब तक 34,41,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोविड रोधी टीका लगवाने की अनुमति दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्यागपत्र दिया। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज। विम्बल्डन टेनिस के मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना दूसरे दौर में पहुंचे। यूरो कप फुटबॉल में इटली ने बेल्जियम को और स्पेन ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस निर्णय से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई को मजबूती देने और उन्हें आर्थिक विकास का माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन संशोधित नियमों के तहत खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। भारत ने कोविड महामारी की दूसरी लहर की चुनौतियों के बावजूद इस वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तक की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। देश में पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वाधिक 81.72 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल निर्यात सर्वाधिक 95 अरब डॉलर रहा। ये वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से अधिक है जो 90 अरब डॉलर रहा था। पहले 3 महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल, मई, जून 2021। इन 3 महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात एक्सपोर्ट अचीव किया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में 95 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया, जो लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए हो जाता है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य मंत्री के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यात दोनों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए किए गए विशेष उपायों, सभी संबंधित पक्षों की सहभागिता और कार्यप्रणाली को सरल बनाए जाने के कारण निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कहा कि श्रम बहुल कई क्षेत्रों में निर्यात में तेजी आई है। सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दालों के भंडारण के लिए 31 अक्टूबर तक की सीमा निर्धारित की है। जमाखोरी रोकने और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला किया गया है। ये आदेश थोक और खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों तथा आयातकों पर लागू होगा। थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा 200 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन होगी।
केंद्र सरकार द्वारा किए गए कई उपायों के परिणाम स्वरूप दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले वित्त वर्ष में प्रमुख दलहनों का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन 255 लाख टन से अधिक हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार अति सक्रियता से काम कर रही है। There is a group of ministers which monitors it regularly. Edible oil prices, because of the way in which edible oil, the oil seeds production has been affected, and India's dependence on edible oil import is very high, the prices went up. Another step is about the pulses. There is a fall in the production of pulses. Therefore, we are ending up importing from Myanmar, importing from Mozambique, importing from some countries in Africa, Canada. वित्त मंत्री ने बेंगलुरु में कहा कि सरकार ने महामारी के दौरान गरीबों पर भार कम करने के लिए कई वित्तीय पैकेजों की घोषणा की है। पेट्रोल की कीमतें घटने की संभावना पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें $75 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं और प्रतिदिन बढ़ रही हैं। ऐसे में देश में पेट्रोल के दाम बढ़ना व्यावहारिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चार वर्ष में निवेश बढ़ाने और व्यापारिक सुगमता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के एक ट्वीट पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहर भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है और नए मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोविड का प्रकोप रोकने के उपायों और प्रतिबंध लगाने की रणनीति के अंतर्गत किए जा रहे लगातार प्रयासों से देश में संक्रमित लोगों की संख्या में प्रतिदिन कमी आ रही है। कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट और रेस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से हमने देखा कि केसेस में कमी आई है और पिछले 24 घंटे में देश में 46,617 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि दो महीने के भीतर प्रतिदिन संक्रमण में कमी आई है और उपचाराधीन रोगियों की संख्या में लगभग 86% की कमी आई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ होने की दर पिछले महीने 3 मई को 81% से अधिक थी, जो अब 97% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड की जांच को बढ़ाया गया है। जैसे जैसे केसेस में बढ़ोतरी नोट की गई, देश में टेस्टिंग के अनुपात को बढ़ाया गया और हमने देखा कि ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते भी हमारे देश में 18.29 लाख टेस्ट रोज किए गए और एक स्थाई पर जहां हम देश में केस पॉजिटिविटी ओवरऑल करीब 3.1% ऑन एन एवरेज नोट कर रहे हैं फ्रॉम ए पीक ऑफ 21.6%। हमारा टेस्टिंग पर अभी भी उतना ही ध्यान बना हुआ है। लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 8 सप्ताह से संक्रमण दर में कमी आ रही है, हालांकि देश के 71 जिलों में अब भी संक्रमण दर 10% से अधिक बनी हुई है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने चेतावनी दी है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है और लोगों को इस घातक बीमारी से बचाव के उपाय कम नहीं करने चाहिए। सेकेंड वेव इज नॉट ओवर। भारत सरकार की टीम्स जो हैं वो कई राज्यों में भेजी गई हैं, छत्तीसगढ़ में, केरल में, उड़ीसा में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और अरुणाचल में। ये दर्शाता है कि जो पैंडेमिक की ये लार्ज पॉकेट्स हैं, आउटब्रेक की पॉकेट्स हैं, वहां पे अब हमें इस महामारी को वहीं ही काबू करना है, उसको वहीं से लोकलाइज करके वहीं श्रिंक करा के बचाना है, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है। श्री पॉल ने कहा कि ये देखा जा रहा है कि यूरोपीय देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और चुनौती बनी हुई है। कोविड से बचाव के लिए देश में अब तक 34,41,158 से अधिक टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में अब तक 9,61,00,000 से अधिक लोगों को पहला और 23,73,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। कोविड से बचाव का टीका अब गर्भवती महिलाएं भी लगवा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को मंजूरी दी। मंत्रालय ने यह निर्णय टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर लिया है। टीका लगवाने के लिए गर्भवती महिलाओं को
कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकती हैं या सीधे नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जा सकती हैं। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ एन के अरोड़ा ने कहा है कि कोविड के टीके से गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं कभी भी टीका लगवा सकती हैं। डॉ अरोड़ा ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि भारतीय टीका कार्यक्रम को यूरोपीय संघ में हुए टीकाकरण के समान समझा जाएगा और यूरोपीय संघ के देश कोविन टीकाकरण प्रमाण पत्र को आदान प्रदान के आधार पर मान्यता देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इस संबंध में यूरोपीय सदस्य देशों के संपर्क में है। श्री बागची ने कहा कि यूरोपीय संघ के कई देश इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ ने टीका लगवा चुके लोगों के मुक्त आवागमन के लिए ईयू डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोविन टीकाकरण प्रमाण पत्र का सत्यापन कोविन वेबसाइट पर किया जा सकता है। इस बीच सूत्रों ने कहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश नीदरलैंड्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड को पूरी तरह मान्यता दी है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की 1,14,000 अतिरिक्त शीशियां आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 11 लाख से अधिक शीशियां आवंटित की जा चुकी हैं। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का उपयोग म्यूकोर माइकोसिस के उपचार में किया जाता है। सरकार ने कोरोना महामारी के लिए किसी भी तरह की वित्तीय मदद देने के कार्य को खारिज किया है। मीडिया के एक वर्ग में यह झूठा दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार कोरोना केयर फंड योजनाओं के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 4,000 रूपये की सहायता उपलब्ध करवा रही है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने और छूट के साथ 12 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल राज्य में कोविड की स्थिति पर सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में कोविड मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। कल 4,230 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 97 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने सभी जिलों में समान नियम लागू करने की घोषणा की है। विवाह समारोह में 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा राज्य में यात्रा के लिए ई पास की कोई आवश्यकता नहीं है। जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। गुजरात में कल 80 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 228 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। एक रिपोर्ट। गुजरात में अब तक 8,10,979 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 98.46% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 18 नए मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 15 मामले सामने आए। कल राज्य में कोविड-19 से 2 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 2,644 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 10 मरीज वेंटिलेटर पर है। गुजरात में कल 2,48,796 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दायरे में रखा। भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक $95 अरब का निर्यात किया। सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दालों के भंडारण की सीमा 31 अक्टूबर तक सीमा निर्धारित की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% हुई। अब तक 34,41,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोविड रोधी टीका लगवाने की अनुमति दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्यागपत्र दिया। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज। विंबलडन टेनिस के मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना दूसरे दौर में पहुंचे। और यूरो कप फुटबॉल में इटली ने बेल्जियम को और स्पेन ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल रात देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। नया नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेक्षक के रूप में बैठक में शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 5 जुलाई से पहले निदेशालय में पेश होने के लिए फिर समन जारी किया है। निदेशालय का श्री देशमुख को यह तीसरा समन है। श्री देशमुख खराब स्वास्थ्य और निदेशालय द्वारा दस्तावेज न उपलब्ध कराने का हवाला देते हुए पिछले दो समन पर उपस्थित नहीं हुए थे। उनके दो सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे 6 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। यदि कोई विशेष परिस्थितियां न बनी तो यह सत्र 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। संसदीय कार्य मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की सिफारिश की थी। 20 कार्य दिवसों वाले इस सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शिक्षा से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। इससे कोविड लॉकडाउन के कारण शिक्षा हासिल करने में कोई बाधा नहीं आएगी। इसरो के वैज्ञानिक समिति के समक्ष उपस्थित हुए और छात्रों के लिए प्रस्तावित उपग्रह टीवी कक्षा के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत दैनिक सुधर्म के संपादक केवी संपत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री संपत की धर्मपत्नी केएस जयलक्ष्मी को संस्कृत में प्रेषित शोक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री संपत का जीवन विशेषकर युवाओं में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के प्रति समर्पित था और संस्कृत के प्रति उनकी निष्ठा प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन न सिर्फ संस्कृत जगत बल्कि पत्रकारिता जगत के लिए भी एक बड़ी क्षति है। 64 वर्षीय श्री संपत का बुधवार को मैसूर में हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। उनके संपादन में प्रकाशित सुधर्म को दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक माना जाता है। श्री संपत और उनकी पत्नी विदुषी के एस जयलक्ष्मी को पिछले वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अतुल केशप ने भारत में अमरीका के नए राजदूत का कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में उन्होंने श्रीलंका और मालदीव में अमरीका के राजदूत के रूप में कार्य किया था। अमरीकी विदेश विभाग ने कहा है कि भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक अतुल केशप काफी समय से राजनयिक रहे हैं और उनकी नियुक्ति से दोनों देशों के बीच निकट संबंध मजबूत करने में मदद मिलेगी। श्री केशप ने कहा कि भारत में अमरीकी मिशन में काम करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्हें भारतीय मूल का अमरीकी नागरिक होने पर गर्व है और भारत अमरीका भागीदारी को मजबूत करने के लिए वे काम करते रहेंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के परिसर के ऊपर एक ड्रोन देखा गया जिसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। भारत सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यह घटनाक्रम 27 जून को जम्मू वायुसेना अड्डे पर ड्रोन से हमला करने के बाद सामने आया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह मामला भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से पूरी घटना की जांच करने और ऐसी सुरक्षा चूक टालने को कहा है। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26 June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security. जम्मू के वायुसैनिक हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले के संबंध में श्री बागची ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंक को धन उपलब्ध कराने के संबंध में भारत कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चलता है। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज दोपहर बाद वोरसेस्टर में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पहला मैच 8 विकेट से और दूसरा 5 विकेट से जीता था। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में दोनों ने रामकुमार रामनाथन और अंकिता रैना को 6-2 7-6 से हराया। अगले दौर में उनका मुकाबला ब्रिटेन के आइदान मैकहुक और एमिली वेबले स्मिथ से होगा।
सिंगल्स में पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग में ट्यूनेशिया की ओन जबेयोर ने चौथे दौर में जगह बनाई। यूरो कप फुटबॉल में इटली और स्पेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल रात क्वार्टर फाइनल में इटली ने बेल्जियम को 2-1 और स्पेन ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। आज क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से और चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से होगा। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब केवल 21 दिन बचे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश की। साजन प्रकाश ने तैराकी में ए स्टैंडर्ड हासिल कर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हुए नया इतिहास रच दिया था। उन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 1:56.38 का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। इस साल बेलग्रेड ट्रॉफी में भी उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। कुछ दिन बाद प्रकाश ने रोम में ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया। प्रकाश ने 2015 में केरल में 35वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण और 3 रजत जीते थे। वे रियो ओलंपिक में एकमात्र भारतीय तैराक थे। 2017 के एशियाई खेलों में उन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक जीता था। 14 सितम्बर 1993 में केरल के इडुक्की में जन्मे प्रकाश की परवरिश तमिलनाडु में हुई और बहुत कम उम्र में वे स्विमिंग क्लब से जुड़ गए थे। 27 वर्षीय प्रकाश के नाम 3 दक्षिण एशियाई और 1 एशियाई रिकॉर्ड भी दर्ज है। टोक्यो ओलंपिक में साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज और माना पटेल से तैराकी में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज के पहले विजेता हैं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के सोमेन मंडल। पूरे देश से श्रोता बढ़ चढ़कर इस क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए सुनते रहिए स्पोर्ट्स कैम कार्यक्रम। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRSportsCan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 MHz और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। पुरस्कार के लिए नामांकन या सिफारिशें गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्राप्त की जा रही हैं। सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, लगभग सभी अखबारों ने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के त्यागपत्र की खबर सुर्खियों में दी है। देर रात राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपने पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल 7 से 8 महीने का होगा। नवभारत टाइम्स का अनुमान है विधायकों में से आएगा नया नाम। आज 3 बजे विधायक दल की बैठक होने को हिन्दुस्तान ने महत्व दिया है। कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर 97% के पार पहुंची, लिखता है जनसत्ता। पत्र ने सरकार के टीकाकरण और दिशा निर्देशों पर जोर देते हुए लिखा है, महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं, लापरवाही न बरतें। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के ऊपर ड्रोन दिखाई देने पर लगभग सभी अखबारों ने भारत के विरोध दर्ज कराने की खबर दी है। अमर उजाला ने लिखा है, भारत ने कहा पाकिस्तान सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी भूल न हो। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे।
वीर अर्जुन की पहली खबर है, सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल के नए नियम बनाने की कवायद शुरू की। अब ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होगा आसान। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मार गिराने की खबर हरिभूमि और जनसत्ता ने मुखपृष्ठ में दी है। राष्ट्रीय सहारा ने CDS जनरल बिपिन रावत के इस बयान को प्रमुखता दी है कि भारत को चीन के किसी भी दुस्साहस के लिए तैयार रहना चाहिए। हरिभूमि लिखता है, बोले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, भारत ने आक्रामकता का जवाब पहले भी दिया है, आगे भी देगा। लोकसत्य ने इसे बिपिन रावत की दो टूक लिखा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पुलिस को दिए गए निर्देश को समाचार पत्रों ने मुखपृष्ठ पर स्थान दिया है कि बंगाल चुनाव हिंसा की शिकायतों पर दर्ज करें केस। अखबार लिखता है, हाईकोर्ट सख्त, दैनिक जागरण ने भी सख्त रुख शीर्षक से लिखा है, अदालत ने कई गंभीर टिप्पणियां की, राज्य सरकार से कहा सभी पीड़ितों के लिए चिकित्सा और राशन सुनिश्चित करें। हिंदुस्तान ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ राज्यों के युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण पर लिखा है, गांवों की तरह रोजगार की गारंटी चाहते हैं भारतीय शहरी युवा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दायरे में रखा। भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक $95 अरब का निर्यात किया। सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दालों के भंडारण की सीमा 31 अक्टूबर तक निर्धारित की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% हुई। अब तक 34,41,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोविड रोधी टीका लगवाने की अनुमति दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्यागपत्र दिया। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज। विम्बल्डन टेनिस के मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना दूसरे दौर में पहुंचे। और यूरो कप फुटबॉल में इटली ने बेल्जियम को और स्पेन ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।